नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल कैसे बने करोड़पति, हाउ टू बिकम मिलियनेयर। दोस्तों, ये जो टाइटल मैंने चूज़ किया है इस YouTube चैनल का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की डेट में हर कोई पैसा बनाना चाहता है, पैसा कैसे बनाना ये नहीं मालूम है। अगर हमें कोई तरीका मिल भी जाता है तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, हम उस पर रह नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास या तो रिसोर्सेज की कमी होती है या हमारे पास सलाह की कमी होती है। मेरा उद्देश्य इस चैनल को बनाने के पीछे एकमात्र ये उद्देश्य है कि मैं अपने क्लाइंट्स को, मेरे श्रोताओं को, मेरे ऑडियंस को, मेरे देखने वालों को मैं ये सलाह दे सकूं। ये कोशिश है कि आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि आप अपना पैसा सही जगह निवेश कर सकें और उस पैसे को आप मल्टीप्लाई कर सकें, आपका पैसा आपके लिए ग्रो करे, पैसा आपके लिए पैसा कमा के लेके आए। देखिए, होता क्या है कि पैसा तो हर कोई कमा रहा है, बट उस पैसे को निवेश कितने लोग कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने हाल ही न्यूज़ में बहुत हॉट सुना होगा कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो खाली 4% लोग ऐसे हैं, 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे वर्ल्ड का धन है, पूरा पैसा उन्हीं के पास है। होल मनी लाइज विद ओनली 4% ऑफ द पीपल। हाउ इज इट पॉसिबल? कौन है 4% लोग? आइए दोस्तों इससे बात करते हैं। 4% लोग खाली वो हैं जो जिन ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, कॉरपोरेट्स आते हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं, ठीक है। एक रिटेल निवेशक, एक आम आदमी जिसका गुजर बसर, जिसकी रोज़मर्रा की जिंदगी खाली इसी चीज़ में निकल जाती है कि उसको महीने के अंत में क्या तनख्वाह मिलने वाली है, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या इनकम मिलने वाली है, और उससे वो क्या खर्चे करने वाला है, और क्या जो बचेगा उसको बैंक में, FD में, या PPF में, या पोस्ट ऑफिस में, या कोई ऐसी स्कीम जो बहुत ही कंजर्वेटिव है, जो आज की डेट में इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करती है, उसमें वो लगा बैठता है। आप कुछ सोचिए बॉस दोस्तों कि अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पा रहा है तो आप उस 96% से उस 4% अमीर लोगों की श्रेणी में कैसे आएंगे? बहुत छोटी सी बात है, आप में, हम में और उन 4% लोगों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है खाली सोच का, डिफरेंस है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का। अगर उनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके पीछे जो वजह है वो खाली है नॉलेज। उनको मालूम है कि हम पैसे को कहाँ लगाएं, क्या रिस्क होगी, क्या उसका रिवार्ड होगा, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम एक एक पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे, जहाँ हम पैसा लगा सकते हैं, जहाँ से पैसा ग्रो कर सकता है, क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, हमें कितना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, कितना पैसा इक्विटीज़ में लगाना चाहिए, कितना पैसा इंश्योरेंस में लगाना चाहिए, कितना पैसा FD में रखना चाहिए, कितना पैसा कैश रखना चाहिए, कितना पैसा गोल्ड में लगा सकते हैं हम, कितना पैसा प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए। जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम एक एक अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आने वाले दिनों में, आने वाली वीडियोज़ में बात करने वाले हैं। आज का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उससे मैं एक बहुत सेंसिटिव इशू को छेड़ने वाला हूँ। ये उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों को आज तक सिर्फ लॉसेस के अलावा कुछ हुआ नहीं। मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो ब्रोकर्स के पास अकाउंट खोलती है, सॉरी माफी चाहूंगा, जिन्होंने ब्रोकर्स के पास अकाउंट खोले हैं और वो शेयर्स में या कमोडिटीज़ में या करेंसीज़ में ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, जिसमें मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस के साथ काम किया है, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और अच्छे के साथ में बहुत दुखद भी रहा है। दुखद एक्सपीरियंस के पीछे सबसे बड़ा राय वजह यह है कि मैंने आज तक किसी भी क्लाइंट को अपने इर्द गिर्द, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आज तक मैंने किसी क्लाइंट को, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा कि किसी क्लाइंट को शायद ही बहुत बड़ा पैसा बना हो। अगर किसी ने पैसा बनाया भी है तो या तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बनाया है, डायरेक्ट ब्रोकिंग में या डायरेक्ट ट्रेडिंग में निवेश करके पैसा उन्होंने नहीं बनाया। ये वो 4% लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा भूल जाते हैं, साथ में कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इन लोगों को मालूम होती हैं, जो बाजार के हर उतार चढ़ाव में ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, डिप्यूट करते हैं, ताकि उनका पैसा उनके लिए पैसा कमा के लेके आए, ठीक है। अब जितने भी क्लाइंट्स मैंने आसपास देखे हैं, अपने आसपास देखे हैं, अपने फेलो कुलीग्स के आसपास देखे हैं, अपने दोस्तों के आसपास देखे हैं, किसी को पैसा आज तक नहीं बना। और अंत में क्या होता है कि हम शेयर मार्केट्स को, इक्विटी मार्केट्स को बुरा भला कहते हैं कि इससे खराब बाजार हमने देखा नहीं, यहाँ आने का मतलब है कि पैसा बर्बाद कर दो, और ब्ला ब्ला व्हाट नॉट, जो आप इसको नाम देना चाहे दे सकते हैं। क्या कभी हमने ये सोचने की कोशिश की है कि लॉसेस होते क्यों हैं, क्या वजह है इन लॉसेस के पीछे? दोस्तों, मैंने बहुत गहन अध्ययन के बाद, बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद ये पाया है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को जानने के बाद ये पाया है, बहुत सारे लोगों से
लोगों के ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को देखते हुए उनसे डिस्कशन करने के बाद प्रैक्टिकली एनालाइज करके ये पाया है कि उन सब में जो कॉमन मिस्टेक्स रही हैं जिसकी वजह से उनको लॉसेस हुए हैं वो बिल्कुल सेम है। एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसने किसी और वजह से लॉस किया, सबकी लॉस करने की वजह गिनी चुनी है। आइए चलो कुछ वजहों पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली वजह क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, नंबर वन इज नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम आप कभी भी एक अच्छा निवेश, अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब हमें ये नहीं मालूम कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है और हम अपने हार्ट की सर्जरी खुद नहीं कर सकते तो इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बट कौन से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? क्या हम किसी ऐसे नए MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे जो कल ही सर्जरी का डिप्लोमा डिग्री लेके आया है, क्या उसके पास जाना पसंद करेंगे? या जो एक्सपीरियंस है, जिसके पास नंबर ऑफ सर्जरीज का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है जहां आपको ये पता है कि आज एक फला हॉस्पिटल का डॉक्टर, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर जो हजारों लाखों सर्जरीज कर चुका है, क्या आप वहाँ सर्जरी कराना पसंद करेंगे या किसी भी नए के पास? ऑफ कोर्स द आंसर वुड बी यू वुड प्रेफर द एक्सपीरियंस डॉक्टर रादर देन द लर्नेड वन। लर्नेड वन के पास जाना नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको बड़ा बना दें, उसको प्रोत्साहन ना दें, ठीक है वो आएगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। दिस इज माई डिसीजन, माई लाइफ, मुझे देखना है मुझे कैसे करना है। यू हैव टू बी वेरी चूजिंग गाइस। जो लोग सक्सेसफुल हैं इस लाइफ में उनको ना कहना आता है, दे डेयर टू से नो। जो चीज़ उनको उनके हिसाब से नहीं चलती वो उसको मना कर देते हैं, वो कितनी ही अच्छी कर रहा हूँ, और वही लोग आगे सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे कि ऐसे सबसे पहला वजह है नॉलेज। हमारे पास नॉलेज नहीं होती तो हमें चाहते ना चाहते हमें ब्रोकर के पास जाना होता है। आज की डेट में दूसरी जो समस्या है वो इसी नॉलेज ना होने की वजह से जुड़ी है, वो है ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड होना। देखिए सिस्टम ऐसा है कि हमें अगर इक्विटी मार्केट्स में या फाइनेंशियल मार्केट्स में अकाउंट खोलना है, काम करना है, तो हमें एक KYC डॉक्यूमेंट साइन करना होता है जो किसी न किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर हमें मिलेगा। ठीक है, हम ब्रोकर के पास चले गए, होता क्या है उसके बाद? ब्रोकर ने हमारा KYC कराया, अकाउंट खोल लिया, हमें सर्विसेज देने के लिए वो रिलेशनशिप मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं या डीलर्स अपॉइंट करते हैं या उसको हम एडवाइजर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कभी हमने सोचने की कोशिश की कि एडवाइजर्स का एक्सपीरियंस क्या है, उन डीलर्स को कितना एक्सपीरियंस है, क्या उनको वो नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है? हमें नहीं मालूम। सबसे बड़ी समस्या जो है आज की डेट में बहुत ही क्रिटिकल है कि कोई भी ब्रोकर अपने इन एम्प्लॉयज की नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। उनका सिर्फ एकमात्र मकसद है कि उनको सैलरी पे रखा, वो आपके लिए क्लाइंट सोर्स करेंगे, क्लाइंट्स मार्जिन लगाएंगे, उनको एग्रेसिव ट्रेडिंग कराई जाएगी, उनको चर्निंग कराई जाएगी और आखिरी में उनको लॉसेस हो जाएंगे। ट्रेडिंग क्यों कराई जा रही है, किस शेयर्स में क्यों निवेश किया जा रहा है, उनको खुद को नहीं मालूम है। उनके पीछे एक सेट रिपोर्ट आती है, ब्रोकर्स कह देते हैं कि आपको अपनी सलाह नहीं देनी। अगर कोई एम्प्लॉई अच्छी सलाह देना जानता भी है तो भी ब्रोकर उसको मना कर देते हैं कि आपको अगर आपके नियम कानून के अगेंस्ट, मतलब अगर आपने हमारे यहाँ जॉब करनी है तो आप अपनी सलाह क्लाइंट को नहीं देंगे, आपको खाली क्लाइंट को वही कॉल्स फॉरवर्ड करनी है जो हमारी रिसर्च हाउस ने आपको दी है। देखिए बॉस कितनी विडंबना है, जो बच्चा, जो डीलर, जो एडवाइजर, जो RM अपने आप को ग्रो कराना चाहता है वो ग्रो भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको टांगे में बंधे हुए उस घोड़े की तरह काम करना है कि आपको दाएं बाएं नहीं देखना है, आपको उसे सीधा देखना है, जैसा हमने कहा है वैसा देखना है, जो हम कह रहे हैं जहां जाना है वहां जाना है और जहां रुकना है वहां रुकना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जस्टिफिकेशन करनी है अपनी सैलरी का, 5 times रिवेन्यू हमें निकाल के देना है। देखिए 5 times रिवेन्यू भी एक बहुत बड़ा वजह है इसके पीछे, जिसके पीछे आपके लॉसेज होते हैं। मैं ब्रोकर्स को बदनाम नहीं कर रहा हूं, ब्रोकर्स के स्टाइल को बदनाम कर रहा हूं या उनको मैं एलिगेशंस लगा रहा हूं, क्योंकि ब्रोकर्स एक्चुअल में अगर ब्रोकरिंग कम्युनिटी इंडिया में बहुत अच्छी हो जाए, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत चूज करना है तो स्टार्ट कर दें, अगर वो उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी क्लाइंट का लॉस होगा। ऐसे ब्रोकर्स आज भी हैं जो बिल्कुल भी अपने क्लाइंट्स को इंट्राडे नहीं कराते हैं या अपने क्लाइंट्स को बेवजह सट्टा नहीं कराते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लाइंट को रिटेन करना चाहते हैं। उन ब्रोकर्स को सलाम है। मैं बड़े ब्रोकर से उम्मीद करता हूँ कि अगर उन तक मेरी ये वीडियो पहुँच पाती है तो प्लीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना स्टार्ट करें ताकि क्लाइंट का लॉसेज ना हो, क्लाइंट के इतना अच्छा पैसा बर्बाद ना हो। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। दूसरी वजह देखिए दोस्तों, हम कभी भी किसी भी ब्रोकर को चूज़ करने से पहले हम ये कोशिश नहीं करते जानने की वो ब्रोकर कितना अच्छा है, उसके पीछे मैनेजमेंट कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेशो कैसा है, बाज़ार में उसके प्रति लोगों की भावनाएं क्या हैं,
हम ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं उसकी रिसर्च हाउस की कॉल्स कैसी हैं, उसके रिसर्च के लोग कितने एक्सपीरियंस हैं, कितने पुराने हैं, वो हम जानने की कोशिश नहीं करते। बट सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है कि आप हमें लिमिट कितनी देंगे, दैट इज एक्सपोजर। द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज लैक ऑफ नॉलेज, नाउ सेकेंड प्रॉब्लम इज एक्सपोजर, वी आस्क फॉर द एक्सपोजर। और ब्रोकर बहुत खुशी खुशी आपको कहता है बॉस हम 10 टाइम्स एक्सपोजर देंगे आपके मार्जिन्स का, हम 20 टाइम्स देंगे, कोई कहता है हम 30 टाइम्स देंगे। कोई ब्रोकर ऐसे भी हैं जो कहते हैं मार्जिन मत दीजिए, काम कीजिए, खाली एम टी एम पे बात करेंगे। ठीक है, अब सोचिए, देखिए बॉस ये है सुसाइड, मैं इसे सुसाइड बोलता हूँ। आपने लगाया 1 लाख रुपया, ब्रोकर ने आपको 20 टाइम्स मतलब 20 लाख रुपए की लिमिट दे दी। अब उसका वो इनएक्सपीरियंस डीलर जिसको खाली ये पता है जो ऊपर से कॉल्स आई हैं वही आपको चिपकानी है, वही आपको देनी है, वो आपको उन कॉल्स के स्टॉप लॉसेस देगा, आपके टारगेट्स देगा, आपको लिवरेज में काम कराएगा। आपने 20 लाख का एक्सपोजर ले लिया और जहां मार्केट किसी दिन 2% 3% करेक्ट हुई तो 20 लाख का 3% 60,000, आपके 1 लाख में 60,000 उड़ गए, तब 60,000 उड़ गए और जैसे वो 70,000 उड़ने पर आएंगे आपकी पोजिशंस काट दी जाएंगी, आपको लॉसेज हो गए। फिर आप रिग्रेट करते हैं कि भाई मैंने अपने पैसे में रह के काम भी नहीं किया। देखिए एक मैं अपने हार्डकोर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो सिर्फ अपने पैसे से काम करते हैं, दूसरे के पैसे से काम नहीं करते। उधार में किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी फलता नहीं है, कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है आप थोड़े पैसे से शुरू करें, ये बाजार इतना अच्छा है कि आप बिल्कुल 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो आपके पास कैपेसिटी है, जो कैपिटल है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 1 लाख रुपये, आप 1 लाख से स्टार्ट कीजिए, आपके पास 50 लाख है 50 लाख से स्टार्ट कीजिए, आप कोई एक्सपोजर ना लें। दूसरी चीज़, पहला हमने डिस्कस की लैक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज बढ़ानी है, आपको किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। सेकंड है आपको एक्सपोजर नहीं लेना है, प्लीज़ आज से गांठ लगा लें, गांठ बांध लें इस चीज़ की कि हमें एक्सपोजर नहीं लेना है। कोई कितना ही फोर्स करे एक्सपोजर नहीं लेना है। अगर यदि उस ब्रोकर का एम्प्लॉई आपको फोर्स कर रहा है लिमिट्स लेने के लिए, अपना अकाउंट वहाँ से बंद करें, किसी ऐसी ऑनलाइन कंपनी में शिफ्ट हो जाए जहाँ पर आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी अवेलेबल हैं जहाँ खाली आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों, ब्लाइंडली आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टिप्स आ रही हैं, फ्री टिप्स आ रही हैं, ये सब फ्रॉड लोग हैं, बिल्कुल फ्रॉड। इन लोगों के पीछे इंटेंशंस क्या हैं, ये क्यों ऐसे टिप्स दे रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ये सब बहुत क्लियर है सबको। सेबी ने इनके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई हैं। तो तीसरी वजह है जिस पे मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप ऐसी टिप्स देने वाली कंपनीज के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें, अपना दिमाग लगाएं, अपनी स्टडी करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, एक्सपोजर में काम ना करें और कभी भी ओवर ट्रेड ना करें, लिवरेज ना लें। वेल्थ क्रिएशन एक आर्ट है, किसी भी के कहने से आप अगर कोई भी ट्रेड डालेंगे, कोई भी शेयर्स खरीदेंगे और अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे तो नुकसान होना लाजमी है, नुकसान होना बहुत आसान है उस केस में। तो दोस्तों मेरी जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये इनकी श्रृंखला जो आने वाले टाइम पर मैं आपको एक एक टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा जो मकसद है, जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, आप इस बाज़ार में बिल्कुल भी किसी पे ब्लाइंडली बिलीव ना करें और ब्रोकर्स के द्वारा दिए जाने वाले लिमिट्स को यूज़ ना करें और अच्छा ब्रोकर चूज़ करें, अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज़ करें, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे ब्रोकर प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, इन सब चीज़ों पर भी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको मदद करूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी दी गई आने वाली कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँचें और आप वीडियोस में अपने जो जानकारी आप लेना चाहते हैं आपको मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।